Hello, good morning students. Welcome to today's lecture room. Today we are going to study about sulfonamide in pharmaceutical chemistry 2. So we have already discussed about sulfonamide and we have started to study the individual compound also. So in today's class we'll know about two other individual compound rather than sulfadiazine and sulfaguanidine that we have completed yesterday. So sulfonamide, as we have known, these are the bacteriostatic agent. So ye bacteriostatic agent ke sath sath kya karte hain ki ye generally gram positive aur gram negative bacteria ko bahut zyada achhi tarah se inhibit karta hai iske bacterial growth ko, aur ye bacterial growth ko inhibit karne ke sath sath ye kya karte hain ki respiratory tract infection, urinary tract infection, enteric infection iske sath sath कुछ स्पेशल पर्पस सल्फोनामाइड भी हमने देखा था. तो आज जो सल्फोनामाइड हमने पढ़ने वाले हैं दैट इज सल्फा डी मिथॉक्सिन. तो ये सल्फा डी मिथॉक्सिन, ये सल्फा डी मिथॉक्सिन क्या है? ये सल्फा डी मिथॉक्सिन एक लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड है. ये लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड में इसके साथ है ब्रांड नेम के अंदर सल्फालॉन, सल्फामेड, सल्फासॉल और ट्राइमिथाजोल. जो हमने बताया था कि लॉन्ग एक्टिंग जो सल्फोनामाइड होता है वो जनरली 1 days to 7 days आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में रहता है. तो एक्सक्रीशन के ऊपर बेस होके ही ये जनरली सल्फोनामाइड को क्लासिफाई किया गया था. तो इसमें जो भी डोसेज फॉर्म है वो है पाउडर, टैबलेट और सॉल्यूशन. इसके अगर यूज के बात करें तो ये जनरली बैक्टेरियोस्टैटिक फॉर्मेशन है और जिसके एंटेरिक इन्फेक्शन में यूज किया जाता है. और नेक्स्ट यूज यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जो जनरली सल्फोनामाइड के कॉमन यूज है. तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में ये बहुत ज्यादा असरदार है. यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन लाइक वेजिनाइटिस, इसके अलावा अदर इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेटरी कंडीशन, इसके साथ साथ रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन लाइक ब्रोंकाइटिस या अदर जो भी इन्फेक्शन, न्यूमोनिया रिलेटेड इन्फेक्शन, वहां पे भी ये सल्फोनामाइड यूज किया जा सकता है. लेकिन इसका सबसे ज्यादा यूज एज ए वेटरिनरी मेडिसिन में देखा जाता है, क्योंकि दिस सल्फोनामाइड इज मोस्टली यूज्ड एज वेटरिनरी मेडिकेशन. तो वेटरिनरी मेडिसिन में जनरली जो जानवर के लिए जो मेडिसिन होते हैं उसके कुछ भी फॉर्मुलेशन होते हैं, जैसे ह्यूमन मेडिसिन के फॉर्मुलेशन होते हैं वैसे ही जानवर के मेडिसिन के भी बहुत सारे फॉर्मुलेशन होते हैं. तो वो फॉर्मुलेशन लाइक प्रीमिक्सेस, प्रीमिक्स क्या होता है कि किसी भी सॉल्यूशन में पहले से दवाई को मिक्स करके रखना पड़ता है और उसके बाद जो भी जानवर है उसको खिलाया जाता है फूड के साथ, तो वो होता है प्रीमिक्सेस. एक होता है कि डीप सॉल्यूशन. डीप सॉल्यूशन मतलब जैसे जानवर अगर छोटा होता है तो किसी एरिया पे वो ड्रग्स किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूबल करके रखना होता है, उसके बाद उस जानवर को उसमें डीप कर दिया जाता है. तो इसीलिए डीप सॉल्यूशन जनरली बड़े जानवर के लिए क्या किया जाता है कि स्प्रे सॉल्यूशन किया जाता है, कि उसको जानवर को तो आप डीप नहीं कर सकते, सिंपल स्प्रे करके कुछ वेटरनरी सॉल्यूशन या नॉर्मल वेटरनरी प्रिपरेशन आप उसके स्किन इन्फेक्शन के लिए आप दे सकते हो. आपने देखा होगा कि जो नॉर्मल जो वेटरनरी एनिमल्स होते हैं वगैरह, तो उसके बहुत ज्यादा टॉपिकल इन्फेक्शन होता है, स्किन के ऊपर इन्फेक्शन होता है, कीड़े वगैरह हो जाता है बहुत सारे टाइम पे, बर्ड्स वगैरह भी उसके ऊपर आ जाता है. तो वो इन्फेक्शन को रोकने के लिए ये वेटरनरी मेडिसिन एज एंटीबायोटिक यूज किया जाता है. प्रॉपर्टीज के बात करें तो ये भी सॉलिड पाउडर है. तो हमने अब तक जितने भी सल्फोनामाइड देखे हैं सारे के सारे सॉलिड कलर के सॉलिड प्रॉपर्टीज है और वो पाउडर फॉर्म में रहता है. मास 310 ग्राम पर मोल, मेल्टिंग पॉइंट 203 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉल्युबिलिटी 343 मिलीग्राम पर लीटर इन वाटर, मतलब दिस इज माइल्डली सॉल्युबल इन वाटर. इसके सॉल्युबिलिटी है वाटर में लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं है. इसके साथ साथ अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो ये जनरली रूम टेम्परेचर में स्टेबल है, और लेकिन इसे भी टाइटली क्लोज कंटेनर में रखना चाहिए कि बहुत ज्यादा हीट और एयर के एक्सपोजर में अगर आ जाते हैं तो इसके प्रॉपर्टीज चेंज हो सकते हैं, इसलिए हमें स्टोरेज कंडीशन थोड़ा ध्यान में रखना है. तो नेक्स्ट जो सल्फोनामाइड के बारे में हमने पढ़ने वाले दैट इज सल्फामिथोक्सीपिरिडाजिन. सल्फामिथोक्सीपिरिडाजिन इज ए सल्फोनामाइड व्हिच कंटेन ए पिरिडाजिन एज ए हेट्रोसाइक्लिक रिंग. तो पिरिडाजिन क्या होता है कि पिरिडाजिन एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग है. जैसे आपने पढ़ा था नोमेनक्लेचर ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में ये 6 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक रिंग है
एजीन मतलब इसमें है नाइट्रोजन, और ये डाजीन मतलब दो नाइट्रोजन। तो ये दो नाइट्रोजन सिक्स मेंबर रिंग में है, तो ये पिरिडाजीन रिंग है। तो ये वन या टू पोजीशन, वन एंड टू पोजीशन पे नाइट्रोजन रहता है। तो ये सल्फर, जो भी सल्फोनामाइड के स्ट्रक्चर है, उस सल्फोनामाइड के स्ट्रक्चर के साथ पिरिडाजीन रिंग है, इसीलिए इसका नाम है सल्फा मिथॉक्सी पिरिडाजीन। इसका जो ब्रांड नेम है नोवोसोल, सल्फा स्प्रिंग, एफेमिक्स, यूरोपैक, मेटासल्फा। तो ये कुछ ब्रांड नेम आपको याद रखने होंगे। आप ऐसा नहीं कि आप यहीं से ब्रांड नेम कुछ याद रख सकते हो, आपके नॉर्मल यूज में अगर कभी भी आया होगा कोई भी मेडिसिन तो उसका ब्रांड नेम याद रख सकते हो, नहीं तो आपको जो भी इजी लगे वो ब्रांड नेम आप याद रख सकते हो। इसके साथ साथ जैसे ब्रांड नेम लिखोगे साथ साथ आप कोई भी इसके जो नॉर्मल नेम है, जैसे जेनरिक नेम बोला जाता है, वो भी लिख सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम जो मेडिसिन होता है वो जेनरिक फॉर्म में भी बिकता है। तो जैसे सल्फामिथॉक्सी पिरिडाजीन, तो इसका जेनरिक नेम यही होगा सल्फामिथॉक्सी पिरिडाजीन। अगर ये पाउडर फॉर्म में होगा तो किसी भी फॉर्मुलेशन के ऊपर लिखा रहेगा सल्फामिथॉक्सी पिरिडाजीन पाउडर, या टैबलेट फॉर्म में होगा तो सल्फामिथॉक्सी पिरिडाजीन टैबलेट। इसके साथ साथ कोई सॉल्ट फॉर्म में होगा तो सपोज सल्फामिथॉक्सी पिरिडाजीन सोडियम, तो इस फॉर्म में भी लिखा रह सकता है, तो वो भी आप ब्रांड नेम के अंदर लिख सकते हो। डोसेज फॉर्म में इसका पाउडर है, टैबलेट है, सॉल्यूशन है। तो बता दें कि जैसे ये सल्फामिथॉक्सी पिरिडाजीन, इसको भी वेटरनरी यूज में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है रेदर देन ह्यूमन यूज। तो यूज के फॉर्म में दिस इज अ बैक्टेरियोस्टेटिक टू ट्रीट डर्माटाइटिस, डर्माटाइटिस दैट इज द इन्फ्लामेशन इन डर्मल रीजियन, दैट इज जो डर्मिस रहता है आपके स्किन के ऊपर का लेयर, वो डर्मिस में अगर इन्फ्लेमेशन रहता है दैट इज कॉल्ड एज डर्माटाइटिस। तो जहां पे भी टाइटिस वर्ड रहता है या टिस रहता है तो दैट इंडिकेट्स इन्फ्लेमेशन, लाइक कॉन्जंक्टिवाइटिस, तो वो कॉन्जंक्टिवा का इरिटेशन होता है। डर्माटाइटिस वैसे ही इन्फेक्शन होता है, इसके साथ साथ और भी कुछ इन्फेक्शन होता है। आप जैसे जैसे इन्फ्लेमेशन देखते जाओगे तो हर किसी के लास्ट में ये टाइटिस वर्ड रहता है। तो ये वेजिनल इरिटेशन के लिए यूज किया जाता है। तो वेजिनल इरिटेशन इज अ काइंड ऑफ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, तो यूटीआई के क्लास में ये आता है। इसके साथ साथ ये बहुत यूजफुल है एसएलई, एसएलई इज सिस्टेमिक लोपस एरिथमेटस, ठीक है, एसएलई सिस्टेमिक लोपस एरिथमेटस। और ये जैसे एरिथमेटस, एरिथमेटस मतलब ये जनरली जो एरिथ्रोसाइट है वो एरिथ्रोसाइट जैसे कलर रेड है, तो जनरली वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन पे वो ब्लड ब्लड सेल को अफेक्ट करता है, और इफेक्ट करने के साथ साथ वो एक स्किन इरिटेशन टाइप है जिसमें आपके स्किन रेडनेस हो जाता है। उस रेडनेस, वो जो स्किन डिसऑर्डर है वो बहुत ही रेयर है और ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून डिजीज किसे कहा जाता है दोस्तों, की जब हमारे बॉडी का कोई भी इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी को पहचान नहीं पाता है तब उसे बोला जाता है ऑटो इम्यून डिजीज। वैसे ही कुछ और भी ऑटो इम्यून डिजीज है, ठीक है। जैसे इसमें क्या होता है कि नॉर्मल इम्यून सिस्टम आपके बॉडी को डिफेंस मेकानिज्म देता है, कोई भी अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है या वायरल इन्फेक्शन में बहुत ज्यादा चाहिए होता है इम्यून सिस्टम के स्ट्रॉन्ग, जैसे इसीलिए अभी जैसे बोला जा रहा है कि कोरोना वायरस के डिजीज दवाई तो कुछ नहीं है, लेकिन आपको आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना होगा ताकि आपके इम्यून सिस्टम उस वायरस के अगेंस्ट फाइट कर सके। तो वैसे ही जो ये ऑटो इम्यून डिजीज है, ये ऑटो इम्यून डिजीज में इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है और अपने ही जो भी बॉडी पार्ट से उसको इफेक्ट करता है। वैसे ही ये जो एक इन्फेक्शन है सिस्टमिक लोपस एरिथमेटस, तो इसमें ये अपने ही जो ह्यूमन स्किन है ह्यूमन स्किन के ऊपर इन्फ्लेमेशन कर देता है। इसके साथ साथ इसमें वेटरनरी मेडिसिन में भी ये यूज होता है। प्रॉपर्टीज के बात करें तो ये सॉलिड पाउडर है लाइक अदर सल्फोनामाइड्स। इसके मास है 280 ग्राम पर मोल, मेल्टिंग पॉइंट 182 डिग्री सेंटीग्रेड। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो जनरली जो मैक्सिमम सल्फोनामाइड उसके आपने देखा होगा देज आर लेस सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, इसके सॉल्युबिलिटी वाटर में कुछ कम है क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एरोमेटिक रिंग। इसके अंदर जो एरोमेटिक रिंग है वो एरोमेटिक रिंग हाइड्रोफोबिक होता है, तो ये हाइड्रोफोबिक नेचर के लिए ये जो ड्रग्स होते हैं ये जनरली वाटर में सॉल्युबिलिटी इसके कम रहता है। इसके साथ साथ स्टेबिलिटी, दिस इज नॉर्मल स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, बहुत ज्यादा दिक्कत है नहीं इसकी स्टेबिलिटी में। साथ ही साथ स्टोरेज फॉर्म में देखा जाए तो दीज आर स्टोर इन टाइटली क्लोज्ड कंटेनर,
रूम टेम्परेचर में स्टेबल तो है, लेकिन फिर भी इसे एक क्लोज कंटेनर में रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये आज के दो टॉपिक, दो सल्फोनामाइड के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट डे हम बहुत ही दो इम्पोर्टेंट सल्फोनामाइड के बारे में पढ़ने जाएंगे, दैट इज सल्फा एसिटामाइड एंड कोट्राइमोक्साजोल। ये दो इम्पोर्टेंट सल्फोनामाइड बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो नेक्स्ट क्लास आप मिस मत करना। नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे, सल्फा एसिटामाइड और कोट्राइमोक्साजोल के बारे में। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर योर टाइम। होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। इसके साथ साथ आज के क्लास के लिए अभी इतना ही। अगर कोई भी परेशानी हो या प्रॉब्लम हो तो आप कॉमेंट बॉक्स में जरूर कॉमेंट कीजिए। थैंक यू।